प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता क्यों कहा गया? इसके साथ साथ ये सभ्यता भारत के किन-किन राज्यों में फैली हुई थी और भारत से बाहर भी किन-किन देशों में इसके जो पुरास्थल हमें प्राप्त हुए उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत की ये जो आधारभूत जो सभ्यता थी, ये सभ्यता के लोगों का जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था, उत्खनन से प्राप्त जो हमें वस्तुएं प्राप्त हुई है उसके आधार पर इस सभ्यता का इतिहास लिखा गया और इस सभ्यता को किन-किन नामों से जाना गया, इन सभी के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस सभ्यता की खुदाई के दौरान जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई उन वस्तुओं के आधार पर हमने इस सभ्यता का इतिहास किस प्रकार से विद्वानों के द्वारा लिखा गया और आज ये सभ्यता भारत के किन-किन राज्यों में या इसके जो पुरास्थल है उनकी संख्या कितनी है। भारत के दो आरंभिक आधारभूत सभ्यताएं हैं, सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता। इन दोनों सभ्यताओं का पारस्परिक संबंध क्या है, यह हमारे इतिहास की एक बहुत बड़ी गुत्थी है। यद्यपि नवीनतम शोध एवं संभावनाएं इस ओर संकेत करती है कि ये दोनों सभ्यताएं मौलिक दृष्टि से भिन्न न होकर के परस्पर गहन रूप से संबंधित थी और यह भी संभव है कि जैसा कि पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वी श्री वाणंकर ने लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान के पश्चात अपने समय के अध्ययन के आधार पर यह विचार प्रस्तुत किया कि उक्त दोनों सभ्यताएं एक आधारभूत संस्कृति के ही दो प्रतिरूप हैं। पुरातत्वविद डॉक्टर एस पी गुप्ता ने अपनी पुस्तक द इंडियन सरस्वती सिविलाइजेशन में जो उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर शोध लेखक भगवान सिंह ने द वैदिक हड़प्पन में वैदिक ऋचाओं के सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर तथा डॉक्टर वाणंकर के उपयुक्त मत जो प्रस्तुत किया है उसका उन्होंने यहाँ समर्थन किया है एवं यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता दो भिन्न संस्कृति वर्ग नहीं है। वे दोनों क्रम से एक दूसरे के बाद हुई बल्कि दोनों एक ही सांस्कृतिक युग की द्योतक है। उक्त दोनों सभ्यताओं में जो मौलिक अंतर पहले बताए गए हैं वे नवीन अन्वेषणों एवं अनुसंधानों के प्रकाश में निराधार साबित होते जा रहे हैं। इस दिशा में हमें और भी आगे बढ़ना है और जो शोध कार्य है उसको प्रकाश में लाना जरूरी होगा। 1920-21 में दयाराम साहनी, हम सिंधु सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार था उसके संबंध में ये जानकारी लेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के किन-किन राज्यों में इस सभ्यता के पुरास्थल पाए गए, साथ ही अन्य देशों में भी इसके जो पुरास्थल पाए गए वो कौन-कौन से हैं। 1920-21 में दयाराम सानी के द्वारा हड़प्पा में किए गए आरंभिक उत्खनन और 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो में किए गए उत्खनन से सिंधु सभ्यता का अनावरण हुआ। इसके पूर्व इस सभ्यता के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। इस सभ्यता के सबसे पहले हड़प्पा की खोज के आधार पर
इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के आरंभिक स्थल सिंधु नदी की घाटी में प्राप्त हुए, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में इस सभ्यता के भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार का जो क्षेत्र हमें ज्ञात है, उससे यह विदित होता है कि इस सभ्यता का बहुत महत्वपूर्ण विस्तार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात में लुप्त सरस्वती नदी की घाटी के क्षेत्र में मिलता है। अतः इस सभ्यता का सिंधु सरस्वती नाम अधिक सार्थक होगा। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि जो इसके पुरा स्थल अधिकांश जो पाए गए हैं, वो सरस्वती और उसकी सहायक नदी के तट पर पाए गए हैं। इस आधार पर इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती का नाम देना अधिक सार्थक होगा। वर्तमान में इस सभ्यता के पुरा स्थल हमें पाकिस्तान में सिंध, पंजाब एवं बलूचिस्तान प्रांत से हमें भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र प्रांतों में मिले हैं। सिंध बलूचिस्तान के अंदर सुतका गेंडोर, सुतकाड़ा और बाला की, सिंध में मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोडदिजी आदि, पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ हड़प्पा, जलीलपुर, रहमानगढ़ी, सराय खोली आदि, पंजाब जो भारत में है उसमें रोपड़, कोटल और संगोल। इसी प्रकार से हरियाणा, मनावली, मीथाथल और राखीगढ़ी, जम्मू कश्मीर में मांडा, जम्मू के अंदर जो क्षेत्र है ये पूरा स्थल है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मेरठ के पास, हुलास जो कि सहारनपुर के पास है, गुजरात में रंगपुर, लोथल, प्रभास पट्टन, रोजदी, देशलपुर, सुरकोटड़ा, मालवण, भगतराव और धोलावीरा, महाराष्ट्र में देमाबाद जो कि अहमदनगर के पास है। इन राज्यों के अंदर हमें इस सभ्यता के जो पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। 2005 के लगभग नवीनतम जो परिगणना सिंधु सभ्यता के कितने पुरास्थल पाए गए हैं, इसके संबंध में जो हमारे पास में जो डाटा है उससे ज्ञात होता है कि 1400 पुरास्थल हमें अब तक ज्ञात हो चुके हैं, जिनमें 917 भारत में और 481 पाकिस्तान में एवं 2 अफगानिस्तान के अंदर प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के उत्खनित पुरास्थलों में से 9 स्थलों को हम बड़े नगरों की श्रेणी में रख सकते हैं। अब ये बड़े नगर कौन कौन से रहे हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। इनके नाम हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी, गरेनीवाला और धोलावीरा। इनमें धोलावीरा जो गुजरात के अंदर है, स्थापत्य की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का एक आदर्श स्थल है। सिंधु सभ्यता के विस्तार की उत्तरी सीमा जम्मू क्षेत्र में चेनाब नदी के किनारे पर स्थित मांडा पुरास्थल है। इसकी दक्षिण सीमा महाराष्ट्र में देमाबाद जो कि अहमदनगर के पास है, यमुना नदी की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश के समीप है, इस सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरा स्थल है। इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरा स्थल बलूचिस्तान में मकरान तट पर स्थित सुतका जेंडोर है। दूसरे शब्दों में सिंधु सभ्यता
पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर में फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता का वर्तमान में ज्ञात भौगोलिक विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रफल से भी बड़ा है और विश्व की दो अन्य प्राचीन सभ्यताएं मिस्र की नील घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की दजला फरात घाटी सभ्यता सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल के सामने छोटी दिखाई देती है। तो हमने सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो भारत के किन-किन राज्यों में फैला है और भारत के बाहर कौन-कौन से जो देश हैं, खासकर बलूचिस्तान अफगानिस्तान की यदि हम बात करें, यहाँ भी सिंधु सभ्यता के पुरास्थल पाए गए हैं। इनकी हमने चर्चा की। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सिंधु सभ्यता जो थी, इसके जो महत्वपूर्ण पुरास्थल थे, उनकी खोज किस प्रकार से की गई और इनकी जब खोज की गई, तो इनकी खोज के दौरान हमें कौन-कौन सी ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई जिनके कारण इन पुरास्थलों को यहाँ अधिक महत्व प्रदान किया गया। इनमें सबसे पहले हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख पुरास्थल थे उनमें सबसे पहला पुरास्थल है हड़प्पा। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल पर की थी, जो रावी नदी के बाएं तट पर मॉन्टगोमरी जिले पंजाब, जो कि पाकिस्तान में है, के दक्षिण पश्चिम के लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पर दो प्रमुख टीले उन्हें मिले और पश्चिम में दुर्ग टीला और पूर्व में नगर टीला स्थित है। हड़प्पा का दुर्ग क्षेत्र सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। हड़प्पा के दुर्ग के बाहर उत्तर पश्चिम में स्थित लगभग 6 मीटर ऊंचे टीले पर एफ नाम दिया गया है, जिस पर अन्नागार, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास के प्रमाण मिले हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि यहां पर अनाज कूटने के जो वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास जो हमें के जो प्रमाण मिले हैं वो महत्वपूर्ण है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है, जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा से प्राप्त पुरास्थल पुरावशेष, जिनमें मिट्टी के बर्तन, तांबे और कांसे के उपकरण, पकाई हुई मिट्टी की आकृतियां तथा छोटी व बड़ी मोहरे शामिल है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के विशिष्ट नमूने हैं। इस सभ्यता की अनेक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। ये खास बात जो बताई गई है कि यहां से हमें अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई है। यहां से पत्थर की दो खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। यह हड़प्पा जो पुरास्थल जो खोजा गया था 1920-21 के अंदर, उसके हमने बात की। अब सिंधु सभ्यता का जो दूसरा प्रमुख नगर था मोहनजोदड़ो, जिसे जिसका शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला, इसे भूत प्रेतों का टीला भी कहा जाता है, इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। मोहनजोदड़ो सिंध, जो कि पाकिस्तान में, के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यहां पर भी दो प्रमुख टीले मिले हैं, दुर्ग टीला तथा नगर टीला। दुर्ग टीले में अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्मारक एवं भवन स्थित हैं, जैसे विशाल स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन एवं पुरोहित आवास। इनमें सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण स्नानागार है। नगर भाग में योजनाबद्ध तरीके से बसे हुए भवन मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त
नगर निर्माण योजना, भवन, मृदभांड, मोहरें तथा अन्य कलाकृतियां अत्यंत विकसित सभ्यता की सूचक है। अन्य जो पुरास्थल जो खोजे गए और उनकी क्या-क्या विशेषताएं रहीं, इन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद।